स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके केमिस्ट्री के लिए। इसके बगैर केमिस्ट्री का नॉलेज अधूरा है। इसकी जरूरत आपको हर हमेशा पड़ेगी, है ना। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर आप जरूर बना कर रखें। तो ये मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ये जो वर्ड आता है मोल, ये एक्चुअली है क्या? तो मोल इज जस्ट ए काउंटिंग नंबर, ठीक है। जैसे आप कहते हो वन पेयर, तो वन पेयर जो है दिस इज ए काउंटिंग नंबर, है ना। अगर हमारे पास 10 पेन्स हैं तो हम कहते हैं कि कितने 5 पेयर हैं। तो एक्चुअली वन पेयर के अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं, जो भी चीज हो वो 2 होंगे, है ना। तो 2 पार्टिकल्स है। तो अगर हमारे पास 10 पेन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो दो का एक पेयर कहा जाएगा। तो ये 1 पेयर हो गया, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, है ना। इन द सेम वे अगर 1 डजन का है तो ये भी एक काउंटिंग नंबर है। 1 डजन के अंदर होते हैं 12 पार्टिकल, है ना। तो इन द सेम वे हमारे पास एक बहुत बड़ा यूनिट है जो हम लोग जनरली केमिस्ट्री में यूज करते हैं। आप यूज तो कहीं भी कर सकते हो, जैसे डजन को आप कहीं भी यूज कर लेते हो, है ना, जिस चीज को आप काउंट कर सकते हो उसके लिए। पेयर को आप कहीं भी यूज कर लेते हो जहां पर आप काउंटिंग कर सकते हो, है ना। तो इन द सेम वे आप वन मोल को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा यूनिट है। इस वजह से आम जिंदगी में हम लोग इसको यूज कर नहीं पाते हैं, है ना। जैसे वन मोल का जो वैल्यू होता है वो 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स, इस को हम लोग कहेंगे वन मोल, है ना। तो हम चाहे हमारे पास कोई बहुत सारे आदमी, है ना, तो उनके नंबर को हम डजन में भी बता सकते हैं, उनके नंबर को हम पेयर में भी बता सकते हैं, तो उनके नंबर को हम मोल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो मोल इज जस्ट ए काउंटिंग नंबर, है ना। टू काउंट एनी एटम आयन, आप तो काउंट एटम आयन को भी कर सकते हैं, मोलेक्यूल को भी कर सकते हैं, और कोई भी चीज को कर सकते हैं, बट हम लोग जनरली माइक्रो पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए इसको यूज करते हैं, केमिस्ट्री में यूज होता है। कारण क्या है कि अगर हम लोग एक छोटा सा सैंपल भी कोई चीज का उठा कर लेते हैं तो उसके अंदर बहुत बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं उस सबस्टांस के, तो उनको पेयर में या डजन के अंदर काउंट करना उतना बेहतर ऑप्शन नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम उन्हें मोल्स में काउंट करके बताएं, है ना। तो ये मोल्स हमने समझ लिया है, समझा है कि ये इतने पार्टिकल्स अगर हैं तो वो वन मोल कहा जाएगा, है ना। तो ये क्या है, लेकिन ये बात उठती है कि ये नंबर आया कहां से, किसके दिमाग में ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नंबर उठा भाई, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड नंबर को लिया। तो एक बात जानिए कि साइंस के अंदर जब भी कोई यूनिट हम लोग बनाते हैं, मोल क्या है, एक यूनिट है, तो जब भी कोई एक यूनिट बनाते हैं तो उससे पहले हम लोग एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं, है ना, कि इसके लिए क्या स्टैंडर्ड फिक्स करें, ताकि अगर भविष्य में मान लीजिए कभी कोई ये यूनिट लॉस हो जाए तो हम लोग एग्जैक्टली इसी अमाउंट का उस यूनिट को रीडेवलप कर सके। तो यहां पर जो स्टैंडर्ड लिया गया वो 12 ग्राम C12 एटम, है ना, इसको लिया गया कि 12 ग्राम सैंपल अगर C12 का हम लोग एलिमेंट कर लें तो उस सैंपल के अंदर जितने एटम होंगे वो कहलाएंगे वन मोल, है ना। तो वन मोल क्या है, इट इज द नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ C12 एटम्स इन 12 ग्राम सैंपल ऑफ इट, है ना। इसके 12 ग्राम सैंपल के अंदर C12 एटम का, है ना, या C12 एलिमेंट के 12 ग्राम सैंपल के अंदर
जितने कार्बन के एटम्स होंगे है ना, वही नंबर को हम लोग वन मोल मानेंगे। ये तो आपको क्लियर हो गया। देखिए एएमयू के ऊपर जो हमने एक वीडियो बना रखा है वहां भी कार्बन 12 की ही बात की गई, यहां भी कार्बन 12 की ही बात की गई। तो आपके मन में ये विचार उठता होगा कि इन यूनिट्स को बनाने के लिए कार्बन एटम्स का ही क्यों यूज किया जा रहा है, C12 एटम का ही क्यों यूज किया जा रहा है। तो देखिए हम लोग कोई भी चीज़ जब बनाते हैं तो यूनिट्स को बनाने के लिए कुछ खास बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हम लोग ऐसे एलिमेंट को लें जो अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट हो हमारे नेचर में, और दूसरी बात ये हो कि उसकी रिएक्टिविटी ना तो बहुत ज़्यादा हो ना तो बहुत कम हो, है ना। तो रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी शुड नॉट बी वेरी हाई, या शुड नाइदर भी लिखिए, नाइदर बी वेरी हाई नॉर वेरी लो, है ना। और नंबर ऑफ आइसोटोप्स शुड बी लो, और आइसोटोप्स का नंबर्स भी जिस एलिमेंट में ज्यादा नहीं हो, ज्यादा आइसोटोप्स नहीं हो और वो आइसोटोप्स का अमाउंट भी कंपेरेजिबल अमाउंट में नहीं हो। तो कार्बन के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, इसलिए हम लोगों ने कार्बन को ही यूज किया है एटॉमिक मास यूनिट को भी बनाने में और इवन की मोल का भी अमाउंट को फिक्स करने में, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिसके लिए हमने कार्बन को ही चुना। तो कार्बन का 12 ग्राम को सैंपल लिया, इसके एटॉमिक मास का जो नंबर है न्यूमेरल वैल्यू है उसी के बराबर हमने मास ले लिया, उतना ही ग्राम मास लिया, और उसके अंदर जितने एटम कार्बन के आए वही वन मोल माना गया। तो हमने बता दिया कि वन मोल को कितना लिया है, 6.022 × 10³, है ना, पार्टिकल्स आ गए, क्योंकि 12 ग्राम सैंपल के अंदर इतने एटम्स कार्बन के थे तो वही वन मोल मान लिया गया, ठीक है। अब बात उठती है कि हम कोई भी सबस्टांस अगर दिया जाए, है ना, तो उसका जो मास होगा, है ना, तो मोल्स में हम लोग कैसे पता, सॉरी जो अमाउंट होगा, मास नहीं, जो अमाउंट होगा वो मोल्स में कैसे पता करें। किसी कोई सैंपल आपको दिया गया हो उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, है ना। तो उससे पहले हम लोग कुछ और टर्म्स को जानते हैं, एंड दैट वन इज मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास। तो मोलर मास क्या है, नाम से पता चलता है वन मोल का मास, है ना। किसी सब्सटेंस का वन मोल ले मतलब उसके इतने पार्टिकल्स ले ले, और उसका मास जो जितने ग्राम होगा वही उसका मोलर मास कहलाएगा। तो मोलर क्या है, इट इज मास ऑफ, इट इज द मास ऑफ वन मोल पार्टिकल्स। अब यहां पार्टिकल्स का मतलब अगर वो सबस्टांस मोलेक्यूलर फॉर्म में होगा तो वन मोल मोलेक्यूल उसका लेंगे, और अगर वो सबस्टांस एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, खासकर एलिमेंट्स की बात कर लें, एलिमेंट्स हो तो वन मोल एटम की बात करेंगे, है ना। तो वन मोल पार्टिकल, पार्टिकल में अगर कोई कंपाउंड होता उसका मोलेक्यूल लेंगे, और कोई एलिमेंट हो तो उसका हम एटम लेंगे, ठीक है। तो इट इज द मास ऑफ वन मोल पार्टिकल्स, है ना, कंपाउंड हो तो मोलेक्यूल, एलिमेंट हो तो एटम, ठीक है, इन ग्राम, है ना, ग्राम में उसको, या ऐसे कर ले छोटे सिंपली रहने दीजिए, ये ग्राम में ही हमको लेना है, केजी में जनरली हम लोग केमिस्ट्री में लेते नहीं है। तो इट इज द मास ऑफ वन मोल पार्टिकल ऑफ ए सबस्टांस, तो किसी सबस्टांस के वन मोल पार्टिकल का जितना मास होगा वही उसका मोलर मास कहा जाएगा, है ना। तो ये बड़े इत्तेफाक की बात है कि किसी भी एलिमेंट का जो मोलर मास है ना,
वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, है ना, न्यूमेरिकली, है ना, न्यूमेरिकली मैं कह रहा हूं। यहां पर जैसे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ अगर सोडियम 23 AMU है तो इत्तेफाक की बात है कि मोलर मास ऑफ सोडियम कितना होगा, तो 23 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल इज द यूनिट ऑफ मोलर मास, ग्राम पर मोल इज द यूनिट ऑफ मोलर मास। उसी तरह अगर हम किसी कंपाउंड की बात कर लें, जैसे मान लो कि बहुत ही सिंपल सा मोलेक्यूल हम लोग लेते हैं वाटर, तो मोलेकुलर मास ऑफ वाटर अगर निकालें तो हमको पता है कि ये 18 AMU होता है, या 18 U लिख सकते हैं, या 18 सिंपली आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मोलर मास जो है वो हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। बहुत आसान है। तो अगर आप किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास जानते हैं तो आप उसका मोलर मास भी बहुत बड़े आसानी से लिख सकते हैं। आप उतना ही न्यूमेरल वैल्यू को ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस कर दीजिए, वो मोलर मास हो जाएगा। तो मोलर मास हम लोगों ने निकाल लिया, है ना, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, इवन कि आप आयन का भी निकाल सकते हैं, है ना। एक आयन जैसे SO4 2- है, तो आप इसका अगर मोलर मास निकालना चाहते हैं तो इसका पहले जो फॉर्मूला वेट है वो आप निकाल लीजिए। फॉर्मूला वेट कैसे निकालेंगे, आप लोगों ने सीखा होगा कि मोलेकुलर मास किसी कंपाउंड का कैसे निकालते हैं, सेम तरीका है इसका भी। तो सल्फर का यहाँ एक एटम है, तो सल्फर का 1 × सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, प्लस ऑक्सीजन के 4 हैं तो 4 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। चार्ज को कोई कंसीडर नहीं करते हैं मास को काउंट करने में, तो ये हमारे पास कितना आया, तो 32 + 64, तो ये आपका आ गया 96। तो ये 96 इसका आ गया फॉर्मूला वेट। तो अगर आप इसका मोलर मास जानना चाहते हैं, मोलर वेट जानना चाहते हैं, तो आप 96 ग्राम पर मोल लिख सकते हैं, है ना। तो मोलर मास मीन्स एक मोल ऐसे आयन से अगर लें तो इसका वेट होगा इतना ग्राम पर मोल, एक मोल का वेट इतना ग्राम, ठीक है। तो मोलर मास हम किसी भी सब्सटेंस का निकाल सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स, हमारे पास कोई सैंपल दिया है और उस सैंपल से हम, उस सैंपल में हम नंबर ऑफ मोल्स पता करना चाहते हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, है ना। तो अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन ए सैंपल। कोई सैंपल आपको दिया गया है, कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, है ना, कोई भी चीज निकाल। तो देखिए इसमें हम, मेरे पास तीन तरीके हैं, तीन तरीकों से हम निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके दिए हुए रहे तो भी आप बना सकते हो, उसका मास दिया हुआ रहे तो भी आप बना सकते हो, है ना। चलिए देखते हैं। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स इन द टर्म ऑफ नंबर, इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, मींस अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ रहे और तब नंबर ऑफ मोल्स पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स पता करना हो तो क्या करेंगे कि जो गिवेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, गिवेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, उसको आप डिवाइड कर लेंगे वन मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं उससे, मतलब 6.0
2 × 10⁻²³ जो वन मोल में पार्ट की से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर 60 पेन दिए गए हैं और कोई आपसे ये पूछ ले कि बताओ कितने डजन पेन है, तो आप क्या करते हो कि इस 60 को डिवाइड करते हो वन डजन में जितना अमाउंट होता है उससे, और आप बता देते हो कि 5 यहां इससे डिवाइड किए तो 5 बार में ये डिवाइड हो गया, तो ये 5 डजन हम लोग रिपोर्ट करते हैं, 5 डजन रिपोर्ट करते हैं हम लोग। तो ये हमने कैसे किया कि जो गिवेन नंबर था उसको 1 डजन का जो अमाउंट है उससे डिवाइड कर दिया हमने। तो इन द सेम वे अगर नंबर ऑफ मोल्स पता करना हो तो गिवेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 1 मोल में जितने पार्टिकल्स होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में हम पता कर सकते हैं किसी भी चीज का अमाउंट को। जैसे मान लो कि आपको दिया हो कि ए सैंपल ऑफ सोडियम है 3.011 × 10⁴ एटम, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, देन आप क्या करोगे गिवन पार्टिकल्स कितने, नंबर ऑफ मोल्स पता करना है, नंबर ऑफ मोल्स पता करना है ऑफ सोडियम। तो ये जो सैंपल दिया हुआ है उसमें, तो यहां नंबर ऑफ गिवन नंबर है 3.011 × 10⁴, और आप 1 मोल के अमाउंट से डिवाइड करोगे तो आप इसको काटो 10 टाइम्स में ये कटेगा, इससे ये 2 टाइम्स में कटेगा, इससे ये 2 टाइम्स में कटेगा, सॉरी 5 टाइम्स में कटेगा, तो 5 मोल्स ये आपके पास आंसर आता है, कितना 5 मोल्स है ना। तो हमने क्या किया गिवेन नंबर को 1 मोल के अंदर जो नंबर होता है उसको उससे डिवाइड कर दिया। तो हम इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, ये जो नंबर है 1 मोल के अंदर उसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। तो आपको बहुत जगह इसके जगह ये भी लिखा हुआ मिल सकता है Na, Na को दिस Na ही एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर, और इसका वैल्यू होता है 6.022 × 10⁰²। ये वो गैड्रोज नंबर हो गया। तो ये हो गया इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप मास के भी टर्म में निकाल सकते हैं, मान लो किसी सैंपल का मास दिया हुआ रहे तो आप मास के टर्म में भी निकाल सकते हैं, चलिए उसको भी देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इन द टर्म ऑफ मास ऑफ द सबस्टांस, इन द टर्म ऑफ मास ऑफ द सबस्टांस, सबस्टांस के मास के टर्म में, कोई सैंपल का आपको मास दे दिया और बोला कि बताओ भाई कितना मोल है इसके अंदर इस सबस्टांस का, कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स पता करना हो तो गिवेन मास, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि इस मास को आपको ग्राम में ही लिखना है, अगर केजी में या किसी और यूनिट में दिया हुआ हो तो उसको पहले आप ग्राम में कन्वर्ट कर ले और फिर उसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे। मोलर मास हमने बताया था कि कितना होता है, आराम से आप निकाल सकते हैं, कंपाउंड का मोलर मास न्यूमेरिकली उसके मोलेकुलर मास के बराबर होगा, और एलिमेंट का मोलर मास है ना अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है तो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा न्यूमेरिकली, तो मोलर मास से इसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कहता है ए सैंपल ऑफ वाटर हैज मास 90 ग्राम, हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर आर इन इट, कितने सारे मोल्स वाटर के इस सैंपल के अंदर है ये हमें पता करना है। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता करना है वाटर का, है ना, जो सैंपल है उसमें वाटर का नंबर ऑफ मोल्स पता करना है। तो गिवन मास हमें दिया हुआ है 90 ग्राम, है ना, उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से,
तो हमने बताया था मोलर मास वाटर का न्यूमेरिकली, मोलर मास वाटर का न्यूमेरिकली उसका मोलेकुलर मास के बराबर होता है, तो मीन्स 18 ग्राम पर मोल होगा। तो इसको करेंगे तो इतना मोल आएगा, तो 5 टाइम डिवाइड हुआ तो 5 मोल हमारे पास आंसर आ गया। तो 90 ग्राम अगर हम वाटर लेंगे तो इसमें 5 मोल वाटर के होंगे। कैसे पता किया? तो गिवेन मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद एक और हमारे पास आता है वॉल्यूम के टर्म में पता करने। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले एक चीज हम लोग जान लेते हैं, है ना, कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। एक टर्म समझ लेते हैं पहले, मोलर वॉल्यूम, कि ये मोलर वॉल्यूम है क्या, है ना। ये स्पेशली गैस के लिए बात करेंगे, सॉलिड या लिक्विड के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, ठीक है। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है कि सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ऐसी स्थिति में किसी गैस का 1 मोल पार्टिकल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो उसका मोलर वॉल्यूम कहा जाएगा, है ना। तो मोलर वॉल्यूम क्या है, या यू सिंपली आप कह सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि एसटीपी पर ही हम लोग लें मोलर वॉल्यूम को, जनरली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं अपने स्टैंडर्ड के लिए एसटीपी पर। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि कोई भी गैस का 1 मोल पार्टिकल का जितना वॉल्यूम होगा, या जितना वॉल्यूम 1 मोल पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं गिवन टेम्परेचर पर, गिवन प्रेशर पर, वही उसका मोलर वॉल्यूम होगा। मीन्स इट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स एटम या मोलेक्यूल कुछ भी होंगे, अगर मोलेक्यूलर फॉर्म में वो गैस होगा तो मोलेक्यूल पार्ट, और एटॉमिक फॉर्म में होगा तो एटम। जैसे मान लो कि हीलियम एटॉमिक फॉर्म में है तो एटम की बात करेंगे, वही हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मोलेक्यूलर फॉर्म में तो मोलेक्यूल की बात करेंगे। तो इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, बाय द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल, 1 मोल गैस के पार्टिकल ने जितना जगह ऑक्यूपाई करके रखा है वो मोलर वॉल्यूम कहलाता है। तो एट एसटीपी सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर मोलर वॉल्यूम किसी गैस का, किसी भी गैस का होता है 22.4 लीटर। आप मिलीलीटर में भी इसे लिख सकते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, इतना लीटर पर मोल और इतना मिलीलीटर पर मोल, ऐसा लिख सकते हैं। तो 22.4 लीटर पर मोल ये मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस का होता है, या 22,400 मिलीलीटर पर मोल भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये मोलर वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नंबर, अगर कभी कभी किसी गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है, बस ध्यान रहे लेकिन गैस का, किसी लिक्विड या सॉलिड का नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए गैस, ये बात हम साफ साफ लिख दे रहे हैं गैस के लिए ये, और वो भी एसटीपी पर, एट एसटीपी पर, मतलब एसटीपी पर ही हम लोग बात करेंगे और किसी टेम्परेचर पर या प्रेशर पर बात नहीं करेंगे। तो यहाँ एसटीपी पर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है फ्रॉम द गिवन वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे? सिंपल सा बात है कि गिवेन वॉल्यूम को एसटीपी पर जो उसका वॉल्यूम उस गैस का दिया गया है आपको सैंपल का, उसको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, तो गिवेन वॉल्यूम, गिवेन वॉल्यूम अगर आप मिलीलीटर में लेते हो तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, मोलर वॉल्यूम से कितना होता है तो इतना से डिवाइड कर दो, तो इन मिलीलीटर, इतना मिलीलीटर पर मोल से डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट द आंसर, है ना। लेकिन यही अगर लीटर में दिया हुआ रहे तो यही चीज को आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो गिवेन वॉल्यूम इन लीटर अगर आप दिए लिखे यहां, तो फिर 22.4 लीटर पर मोल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स
किसी भी सबस्टांस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा बिल्डअप होना बहुत जरूरी। तो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मोलर मास क्या होता है, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, और कैसे आप नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सबस्टांस का फाइंड आउट कर सकते हैं। भले वो सैंपल में जो अमाउंट दिया गया है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ हो या उसका मास दिया हुआ हो, और अगर गैस है तो वॉल्यूम के टर्म में भी निकाला जा सकता है। मींस गैस के लिए तीनों टर्म एप्लीकेबल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी टर्म एप्लीकेबल है, मास का भी टर्म एप्लीकेबल है, और वॉल्यूम का भी टर्म एप्लीकेबल है। लेकिन सॉलिड या लिक्विड के लिए सिर्फ आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और मास के टर्म में निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स।